अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गुरु एडिशनल। आज हम और एक दूसरा डिफरेंट टाइप का एक वीडियो लेके आप लोग का सामने हाजिर हो गया। प्लीज़ अगर मेरा चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जैसे कि नया नया वीडियो अपलोड होने का टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम इस वीडियो में शेयर करूँगा जो केबल ट्रे मेकिंग फार्मूला ए टू जेड थ्योरी बाय टू कट 90 डिग्री बैंड। तो इस केबल ट्रे में, एक केबल ट्रे में आप किस तरीके से दो कटिंग में 90 डिग्री बना सकते हैं, देन एक ही केबल ट्रे में आप दो राइजर 90 डिग्री बनाना है, बोथ ऑफ साइड में आपको एक राइजर 90 डिग्री बनाना है इस प्रकार का। तो इसका जो कंटिन्यूसली मार्किंग फोर्सेस थ्योरी है, इस वीडियो में मैं मार्किंग करके आपको दिखाऊंगा, इसका जो फोर्सेस, इसका जो थ्योरी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपको डबल राइजर 90 डिग्री इस प्रकार का बनाना है और देख सकते हैं, अगर एग्जांपल जो है आपका जो ट्रे का एंड से ये 90 का डाउन साइड में आपको चाहिए 545 mm डिस्टेंस, प्लस ये 90 के आउटसाइड से, ये 90 के आउटसाइड में आपको चाहिए 1085 mm, देन ये जो टॉप है ट्रे का टॉप से, मान लीजिए आपको 90 का डाउन साइड में आपको चाहिए 545 mm, इस डिस्टेंस में आपको दो राइजर 90 डिग्री बनाना है। या आपका जो, आप जो केबल ट्रे बना है का उसका डिस्टेंस का थ्रू किस तरीके से आपका ये दो राइजर 90 डिग्री बना सकता है, तो मैं इस वीडियो में उसका जो फोर्सेस, उसका जो फॉर्मूला थ्योरी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मान लीजिए जो ये एक 300 बाई 100 mm का एक ट्रे है, 100 mm कलर का एक ट्रे है, मान लीजिए इस साइज का ट्रे है, इस प्रकार का ट्रे है, इसको बनाना है। मान लीजिए इसके 300 बाई 100 mm का ट्रे है, तो इसका जो मार्किंग का जो मेजरमेंट जो है वो फॉइल लिख लेता हूँ इधर। तो 90 का जो टॉप, ट्रे का जो टॉप साइड से 90 का डाउन साइड में चाहिए 545 mm, देन ये 90 का आउट साइड से, ये 90 का आउट साइड है 1085 mm, एंड देन दूसरा 90 का डिस्टेंस है 545 mm। ये डिस्टेंस में आपको डबल दो 90 बनाना है राइजर टाइप का। तो अभी ये मार्किंग करने का पहले आपको जो 90 डिग्री बनाएगा, इसका जो ट्रैवलिंग फैन है, ये जो ट्रैवलिंग फैन आपको कितना रखना है उसको डिसाइड करना है। ये ट्रैवलिंग फैन भी सेम रखना है, तो दोनों सेम रख के कितना में रखना है, या 100 mm रखना है या 200 mm रखना है, कितना रखना है वो डिसाइड करना है। तो मान लीजिए हम 150 mm ट्रैवलिंग फैन रख के 90 डिग्री बनाता हूँ, तो इसका जो सेम फॉर्मूला है, सेम थ्योरी में आप बना सकते हैं कितने भी डिस्टेंस भी हो। तो ये भी है, मान लीजिए 150 mm उसका ट्रैवलिंग फैन, तो दोनों सेम रख के मान लीजिए मैं बना देता हूँ। तो इसका जो ट्रैवलिंग फैन का, इसका डिस्टेंस निकलना है, ये जो ट्रैवलिंग फैन रखा है उसका डिस्टेंस निकलना है। इसका डिस्टेंस निकलने के लिए इसका थ्योरी क्या है, तो इसका डिस्टेंस निकलने के लिए आपको 150 × 0.7 करना है, 0.7 करना है आपका जो ट्रैवलिंग फैन का जो डिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रे का 90, ट्रे का मार्किंग करने का पहले ट्रैवलिंग फैन कितना रखेगा उसका आपको इस फॉर्मूला का थ्रू उसको निकाल देना है। तो 150 mm का ट्रैवलिंग फैन जब रखा उसका 0.7 करेगा तो उसका डिस्टेंस आएगा 105 mm, 105 mm उसका डिस्टेंस आएगा। तो इस फॉर्मूला का थ्रू आप कोई भी, कितना भी ट्रैवलिंग फैन रखेगा ना उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या आप 100 mm रखा, या आप 200 mm रखा, 300 mm रखा, कितना भी आप ट्रैवलिंग फैन रखेगा ना, ये फॉर्मूला का थ्रू 0.7 अब जितना रखेगा उसके साथ 0.7 करेगा तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। देन अभी ये जो ट्रे का साइज, ये जो हम लोग का जो ट्रैवलिंग फैन है उसका डिस्टेंस हम लोग निकाल दिया। अभी ट्रे का साइज, ये ट्रे का कॉलर का साइज कितना है 100 mm, तो इसके साथ ये जो ट्रैवलिंग फैन का डिस्टेंस निकाला उसके साथ 100 mm को ऐड करना है। 100 mm ऐड किया तो 205 mm हो गया, ये 205 mm हो गया। अभी ये जो 90 का जो डिस्टेंस था, 90 का डिस्टेंस कितना था ट्रे के एंड से 545 mm,
ये 545 mm से 545 mm से ये 205 mm माइनस कर देना है, माइनस 205 mm, 205 mm माइनस करना है। माइनस करेगा तो हो गया कितना, 0, 4 and 3, 340 mm। अभी ये ट्रे का एंड से, मान लीजिए ये ट्रे का एंड है, ये ट्रे का एंड से आपको मार्किंग शुरू करना है, तो ये कितना, ये ट्रे का एंड से आपको 340 mm में मार्किंग करना है। मान लीजिए इधर हम 340 mm में मार्किंग कर लिया, ये मान लीजिए 340 mm है, तो इसमें आपको 340 mm इसमें मार्किंग करना है, ये 340 mm में मार्किंग कर दिया। देन इधर से ये मार्किंग से आपको 40 and 40 में मार्किंग करना है, क्योंकि 50 mm ट्रे है उसमें 20x20 कटिंग आएगा, अगर 100 mm है उसमें 40x40 आएगा, 200 mm है उसको 80x80 आएगा, तो हमारा ट्रे का कॉलर हो गया कितना, 100 mm, तो इसमें हम लोग को 40x40 में कटिंग करना है। तो इस प्रकार में आपको 40x40 में मार्किंग करना है। देन ये मार्किंग से, ये वाला मार्किंग से आपको 150 mm ट्रैवलिंग पॉइंट छोड़ देना है, 150 mm ट्रैवलिंग पॉइंट रखना है, ये 150 mm हो गया ट्रैवलिंग पॉइंट। देन ये मार्किंग से फिर 40 40, देन ये 40 में मार्किंग करना है, मार्किंग करके इसको बी टाइप मार्किंग कर लेना है, बी मार्किंग कर लेना है इसको, इसको दोनों कलर में इस तरीके से मार्किंग निशाना लगा के, आपका जो ट्रे का दोनों साइड में इस तरीके से सीधे सीधे निशाना लगा के उसको बी मार्किंग कर लेना है। तो क्योंकि फॉर ट्रे का जो मार्किंग फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप फॉर्मूला में मिस्टेक किया या अगर आप मार्किंग में मिस्टेक किया तो आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तो इसके लिए ध्यान से मार्किंग करना है, ध्यान से इसको काटना है, और मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो गया तो कोई भी ट्रे को, कितना साइज भी हो, कितना भी ट्रे हो, आप उसको आसान तरीके से बना सकता है। ये जो फॉर्मूला है ये वेरी सिंपल और आसान एक फॉर्मूला है, आसान एक थ्योरी है, इसमें से आप कोई भी ट्रे को इस तरह, इस प्रकार का थ्योरी को यूज़ करके आप बना सकते हैं। देन अभी आइए, जो हम लोग का ये जो डिस्टेंस निकालने का 290 का मार्किंग करने के लिए, तो ये सेम फॉर्मूला में ये हम लोग निकालेगा। जैसे कि अभी ये जो 150 mm हम लोग ट्रैवलिंग पॉइंट रखा इसका, सेम 290 के लिए भी हम लोग 150 mm ट्रैवलिंग पॉइंट रखेगा, फिर इंटू 0.7 करेगा तो उसका डिस्टेंस निकलेगा कितना, 105 mm। फिर ये जो 90 के आउटसाइड से ये जो ट्रे का जो साइज़ है, ट्रे का जो कलर का साइज़ है वो है 100 mm, तो फ्लास इसके साथ 100 mm ऐड करेगा, तो ये हो गया 205 mm, 205 mm, ये 205 दोनों ऐड कर लेना है, फ्लास कर लेना है, तो फ्लास करेगा तो हो गया कितना, 410 mm, ये 90 के डिस्टेंस एंड देन ये 90 का डिस्टेंस दोनों मिला के हो गया 410 mm। तो अभी हम लोग का जो डिस्टेंस है कितना, 1085 mm में 290 को, दोनों 90 का आउटसाइड से आउटसाइड कितना चाहिए, 1085 mm, इसमें से 1085 mm से ये 410 mm माइनस कर देना है, 410 mm को माइनस करना है, हो गया 5, 7 एंड देन 6, सो 675 mm। अभी ये मार्किंग से आपको, इस मार्किंग से आपको 675 mm मार्किंग करना है। मान लीजिए इधर हम 675 mm मार्किंग किया, ये मार्किंग से आपको 675 mm मार्किंग करना है। फिर ये मार्किंग से आपको 40 देन 40 में मार्किंग करना है, मार्किंग करके फिर इधर से 150 mm उसका ट्रैवलिंग पॉइंट छोड़ देना है, 150 mm ट्रैवलिंग पॉइंट रखना है, फिर 100 ट्रैवलिंग पॉइंट रख के फिर इसको 40 एंड देन 40 में मार्किंग करना है। मार्किंग करके इसको भी सेम थ्योरी में, सेम इसमें भी बी मार्किंग कर लेना है, इस प्रकार इसको बी मार्किंग कर लेना है। इसको इस तरीके से बी मार्किंग करके फफर तरीके से इसको
1 mm कटिंग वो लिया आप हैक्सो से की, जो आपका जो जिसमें से कटिंग करने के लिए आसान है वही वही टूल से आपको फफड़ तरीके से कटिंग कर देना है। और इसको किस तरीके से हम लोग केबल टे को कटिंग करता हूँ तो मेरा चैनल में इसका बहुत सारा वीडियो है, उधर से भी जाके आप देख सकता है। और इसका जो किस तरीके से हम लोग इसको बोल्टिंग करता है वो भी है, उधर से भी जाके देख सकता है। तो इस तरीके से इसका मार्किंग करना है। और ये जो थ्योरी ये याद रखना है, ये सिंपल थ्योरी है, ये सिंपल थ्योरी के साथ कोई भी साइज का टेबल टे को आसान तरीके से बना सकता है। तो थैंक यू सो मच, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और नया नया वीडियो को मिलने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जैसे भी वीडियो अपलोड होने का टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।